सर्वशिक्षा अभियान की पोल खोलता वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बडवार। टूटे फूटे तथा कीचड़ से भरे कमरों में चल रही क्लासें फोर लाइन की भेंट चढ़ी थी बिल्डिंग। लगभग 350 बच्चों का भविष्य चढ़ रहा सरकार तथा विभाग की अनदेखी की भेंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूँ दिन भर के कुछ ताजा अपडेट के साथ। प्रदेश में सरकारी स्कूलों की हालत इस समय गंभीर चिंतन का विषय है। शिक्षा के गिरते स्तर के लिए कहीं ना कहीं हमारी सरकारें तथा शिक्षा विभाग भी बराबर के जिम्मेदार हैं। यूं तो सब बड़े बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सर्व शिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रम सरकार द्वारा जोरों शोरों से चलाए जाते हैं, मगर जमीनी स्तर पर इस सब की सच्चाई इन सब के विपरीत है। हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बडवार की, जिसकी बिल्डिंग निर्माणाधीन फोर लाइन की भेंट चढ़ गई थी और लगभग 350 विद्यार्थियों का भविष्य भी अधर में लटक गया। स्कूल प्रबंधन ने जानकारी देते हुए बताया कि फोर लाइन निर्माण कार्य के दौरान स्कूल की बिल्डिंग डिसमेंटल कर दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप टूटी बिल्डिंग में बच्चों को बैठने का स्थान नहीं रहा। बची हुई टूटी बिल्डिंग में बच्चों की क्लासें, स्कूल का अन्य सामान, ऑफिस स्टाफ, मिड डे मील का किचन तथा अन्य कार्य चलाने पड़ते हैं। उन्होंने बताया कि शुरुआती बरसात में ही सभी कमरों में फोर लाइन का पानी व कीचड़ भर रहा है, जिससे बच्चों को मजबूरन कीचड़ में बैठना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ एसएमसी प्रधान ने बताया कि हमारे द्वारा विभाग तथा सरकार के साथ पत्राचार के माध्यम से सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध करवा दी गई है, मगर अभी तक कोई भी राहत धरातल तक नहीं पहुँच पाई है। इस विषय पर जब नूरपुर एसडीएम से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमने मौके पर आज ही टीम भेज दी है तथा साथ में फोर लाइन निर्माण कंपनी को भी नाली बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा स्कूल के 4 लाख रुपए जो कि ब्लॉक कार्यालय में पेंडिंग थे, उनको शीघ्र जारी करने के निर्देश भी स्थानीय बीडीओ को दे दिए हैं। दूसरी तरफ खबर लिखे जाने तक पानी की निकासी के लिए एसडीएम के आदेश पर जेसीबी मशीन के अतिरिक्त लेबर भी मौके पर काम करने के लिए पहुंच गई तथा पानी की उचित व्यवस्था के लिए कार्य करना भी आरंभ कर दिया, जिसके लिए स्थानीय लोगों ने एसडीएम का भी आभार जताया है। मेरा नाम संस्कृति है, मैं 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल की व्यवस्था बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमारे कमरों की छतों से पानी टपक रहा है, वो हर कमरे में पानी भर चुका है। हमारे चलने के लिए भी सही जगह नहीं है, हर जगह पे कीचड़ ही कीचड़ है और बैठने के लिए बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही है। 300 से ज़्यादा बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं और उनको मतलब बिल्कुल भी करेक्ट जगह नहीं है उनको पढ़ाई के लिए। उनका भविष्य इसी स्कूल से बनेगा और अगर भविष्य में मतलब भविष्य अच्छा बनाना है तो स्कूल में भी अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए और उसके लिए बहुत बिल्डिंग भी सेफ नहीं है। ये पूरे ग्राउंड में कीचड़, हमें चलने में भी दिक्कत है, बच्चे फिसल रहे हैं, यहाँ पे पूरा कीचड़ वगैरह हो चुका है। इतनी हमारे पास क्लासेस भी नहीं है कि सारे बच्चे सेपरेटली क्लासेस लगवा सकें। स्कूल में भवन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह से बेटा आप अभी अंदर बैठ रहे हो, अंदर पानी भरा हुआ सारा, तो कैसे ये सारा मेंटेन कर पा रहे हैं? सर, मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा हैं स्कूल में और इतनी छोटी सी बिल्डिंग में बहुत मुश्किल से टीचर्स हमें बिठा रहे हैं, अपनी अपनी क्लासेस लगवा रहे हैं। लेकिन एक बिल्डिंग हमारी वो ऊपर की वो कमरा है, वो भी घिरने की हालात में है, वो एकदम सुरक्षित नहीं है। वहाँ पर भी अब एक रूम हमारा ब्लॉक हो चुका है, अब बहुत मुश्किल हो रही है। डर लगता है अंदर बैठने में? मैं नमन कुमार 11वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरवार में पढ़ता हूँ। यहाँ पर बैठने की व्यवस्था ठीक नहीं है, पानी छत से टपक रहा है, कमरों में पानी भर चुका है, यहाँ हर जगह पे कीचड़ है, हमें बैठने की अच्छी व्यवस्था नहीं है। यहाँ जल्द से जल्द नया भवन बनाया जाए, यहाँ पे हमें बैठने की अच्छी व्यवस्था नहीं है, पानी छतों से टपक रहा है। हम यहाँ के छात्र, जो हमारा भविष्य जो है इसी स्कूल से बनेगा, तो इस स्कूल में अच्छे से अच्छे भवन बनाया जाए। हाँ जी सर, नमस्कार। सर बताइए, क्या कुछ स्थिति है इस समय स्कूल की बडवार की और किस तरह की परेशानियाँ जो हैं वो आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए आ रही हैं? मैं ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भड़वार। हमारे लिए समस्या तो वैसे तो 18 से जो विभाग है उसको नोटिफिकेशन चली गई थी कि यहाँ पे NH का जो है वो काम चल रहा है, फोर लेन बन रहा है। आते आते 22 भी बीत गया और उसके बाद जो है 23 में जो है बिल्डिंग जो है वो हमारे पास 14 कमरे थे, तो उसमें से 7 कमरे हमारे पे बचे, बाकी तो NH वालों ने डिसमेंटल कर दिए। फिर उसके बाद हमने पिछले साल भी विभाग को चिताया और SDM साहब, अपने डिप्टी डायरेक्टर डायरेक्टर साहब को भी हमने यहाँ से लिखा कि हमारी बिल्डिंग जो है वो बहुत सारे जो हमारे कमरे 7 बचे हुए हैं उनमें से सिर्फ हमारे 2 कमरे ही ऐसे ही हैं,
मिनिस्ट्री? जो बचे हुए हैं बाकी अनसेफ हैं, बाकी यहाँ पे पिछले साल जो हमने बताया कि पानी का हमारे कमरों में मैक्सिमम जो हो पानी आ रहा है, और मैक्सिमम जो 5 कमरे बचे हुए हैं वो अनसेफ हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में जो विभाग और हमारे एसडीएम साहब या हमारे जो यहाँ के ऑफिशियल बीडीओ साहब हैं वो इसके बारे में करें। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा काम ये किया कि डीसी साहब से हमें 4 लाख जो है वो इसका जो है वो पैसा मिला, तो वो 4 लाख एक साल हो गया उसका कोई आउटपुट नहीं आई। कि उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे शेड बनाएंगे, लेकिन वो शेड भी नहीं बना, ना उस 4 लाख का कुछ पता चला। अब बच्चे हमारे जो हैं वो ना बैठने की स्थिति में हैं, ना बच्चे पढ़ सकते हैं, ना हम पढ़ा सकते हैं। हम बड़ी जर्जर स्थिति में हैं, बड़ी मुश्किल से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि विभाग जो है या एसडीएम साहब जो हैं या डीसी साहब जो हैं, डायरेक्टर साहब जो हैं, इसके ऊपर जो है वो थोड़ा संज्ञान लें और बहुत जल्दी जो है, वैसे तो हमारा काम हो गया है, जो ज़मीन है उसका सिर्फ इंतकाल रह गया है। तो अगर वो इंतकाल हो जाता है तो विभाग से या सरकार से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसका काम जो है जल्दी से जल्दी लगाया जाए, ताकि बच्चों की पढ़ाई और उनकी सेफ्टी सबसे पहले है। जबकि मेरे को लगता है कि सेफ नहीं है हमारे बच्चे, तो चाहता हूँ। तो इस तरह इस दौरान सर अगर पीछे की तरफ देखें, जिस तरह से कि 4 लाइन का जो साथ में है और उसका जो पानी है वो सारा नीचे की तरफ स्कूल की तरफ आ रहा है, तो क्या कुछ इसमें सुधार यहाँ पर किया जा सकता है, नाली बनाकर? ये आपके आज भी एनएच वालों को बोला, एसडीएम साहब के थ्रू जो है एनएच वाले हैं, लेकिन वो इतना ही बोलते हैं कि हम नाली बना देंगे, लेकिन नाली कहाँ जाएगी, क्योंकि उन्होंने इसका कोई प्रावधान नहीं रखा। एनएच वालों ने अपना काम किया और मिट्टी जो है वो हमारे यहाँ पे रख दी। ये तो हमने, आप देख रहे हैं कि जो बाउंड्री वॉल है ये हमने खुद बनाई है। हमारे एसएमसी प्रधान जी भी हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की। पहले हमारे प्रिंसिपल थे राकेश महाजन, उन्होंने बहुत मेहनत की, पर कोई असर नहीं हो रहा है। बच्चों की उपस्थिति पर इस समय क्या कुछ फ़र्क पड़ रहा है? फ़र्क ये पड़ रहा है कि पहले हमारे पास स्ट्रेंथ जो थी वो 354.5 ही थी, अब हमारे पास जो 334 के करीब है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ पे तो फ़र्क पड़ा ही है, क्योंकि बच्चे देखते हैं कि स्कूल नहीं है, स्कूल की बिल्डिंग पता नहीं कब बनेगी, तो शिफ्ट हो रहे हैं बच्चे इधर से उधर। जिस तरह से कि अभी बैठने का हमने सभी कमरों का भी फिलहाल निरीक्षण किया है, कहीं बैठने की जगह नहीं है, बच्चे कहीं पानी में बैठ रहे हैं, तो क्या कुछ बच्चों की उपस्थिति का इसमें अभी भी बच्चे अभी देखो ना, 3 दिन हो गए स्कूल लगे, हमारे पास जो है वो 20% ही है, आई थिंक 20% बच्चे ही आ रहे हैं, 100 में से 20% ही बच्चे आ रहे हैं। हर क्लास में जो है वो 5-6 बच्चे। ठीक जी सर, क्या समस्या है सर यहाँ पर स्कूल में, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मायसेल्फ एसएमसी प्रधान यशपाल सिंह, तो मैं तो सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है और हमें इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है। तो इसमें बच्चों की सेफ्टी की भी बात आती है, और जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को इधर भेज नहीं रहे स्कूल में, क्योंकि स्कूल में पानी है, कीचड़ है। तो ऐसे मैं माँ बाप जो हैं अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए इसलिए स्कूल में नहीं इनको भेज रहे। तो मैं इनसे प्रशासन से अनुरोध करूँगा कि इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्द किया जाए। ठीक है सर, नमस्कार सर। भड़वार स्कूल में जिस तरह से कि अब बहुत सारी पानी की वजह से दिक्कत आ रही है वहाँ पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? हाँ जी, मैंने ये मेरे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं एनएचआई के, उन्होंने अभी विजिट भी किया था और मुझे बताया कि इसके अंदर दो चीज़ें हैं। जो एक जो ये है कि भाई पानी अंदर जा रहा है, आज जो कुछ पानी घुसा है, तो इसके लिए आज इनको डायरेक्शंस दी गई हैं कि आज ये वहाँ पे कच्ची नाली बनाएं, ताकि ये पानी इसके बाद से इस पानी की जो प्रॉब्लम से आगे दिक्कत लाए। और उसके अलावा एक स्कूल जो है कमेटी से उनसे भी एक बार डिस्कशन हुई है, तो उनका एक कुछ एक कंस्ट्रक्शन का पैसा आया हुआ है, तो उसके लिए वीडियो साहब को बोल दिया गया है कि उसको जल्दी से जल्दी काम लगाएं और होपफुली अगले हफ्ते तक ये काम स्टार्ट करवा दें। थैंक यू।